नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन आया है तमिलनाडु मदुरई से। 17,20,000 रुपया FD में है, 4 साल के बेटे के फ्यूचर के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या होगा? ये क्वेश्चन पहले इस तरह से है कि तमिलनाडु मदुरई से हैं, 10 लाख रुपया FD में एक है, 3 साल से चल रहा है, मेच्योरिटी आ जाएगा 2024 में, और 7,20,000 एक जगह और है जो नियर फ्यूचर में मेच्योरिटी हो जाएगा। सब मिला के बोल रहे हैं 18-19 लाख हो जाएगा। मैंने मूलधन को ही माना है, 17,20,000 माना है। ये इंटरेस्ट के पैसे को आप मान लीजिए यूज कर लेते हैं, और पूरा इन्वेस्ट करना है 10-12 साल के लिए। इस साल को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, 15 साल मान रहा हूँ। वीडियो में आप बताइए, पापा को पूरी तरह से समझाना है, पैसा डूबेगा नहीं, भागेगा नहीं, एक चीज़ मिस करके हराएगा नहीं। ये तीनों वर्ड होना चाहिए, डूबेगा भी नहीं, भागेगा भी नहीं, हराएगा भी नहीं। कैसे चालू करना है ये भी बताइए, कब चालू करना है ये बताइए, पोर्टफोलियो भेजिए, ये सब मैं बताऊंगा। भगवान आपको लंबी आयु दे और मोगेम्बो से बचाए, ये आशीर्वाद जरूर देना है, क्योंकि मोगेम्बो छोड़ने वाला है नहीं, मोगेम्बो से बचाते रहना है, वो यही बचा यही सकता है आप लोग का दुआ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि 4 साल का बच्चा है, सिर्फ इनका नहीं, भारत देश में सबके साथ इस तरह का प्रॉब्लम होगा कि बच्चे के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। हमारी वाइफ भी यही बोलती है, जिंदगी भर यही बोली, बच्चे के फ्यूचर के लिए करना है, बच्चे के फ्यूचर के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, बच्चे के फ्यूचर के लिए करना है, सबका यही कहना है। तो ये क्वेश्चन है, और कहते हैं कि पापा नहीं मानेंगे, किसी के हस्बैंड नहीं मानेंगे, तो जो भी है मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि उल्टा चीज हो रहा है। माताएं बहनें बोल रही हैं कि मच मच फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, और हस्बैंड नहीं समझ रहे हैं और पापा नहीं मान रहे हैं। तो समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि SBI में मान लेते हैं आपका अकाउंट है, FD भी वहीं होगा, कोई कोई बैंक में होगा, मान लेते कि SBI में, तो उसी SBI के SBI म्यूचुअल फंड में आपको फंड सेलेक्ट करना है, SBI स्मॉल कैप, SBI मल्टी कैप, SBI फ्लेक्सी कैप, SBI मिड कैप। यदि आप अपना FD का पैसा वहां लगाएंगे, एक चीज खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन करके सोचिए, आपने FD किया, पोस्ट ऑफिस किया, LIC किया, जो भी किया, वो पैसा फर्दर कहाँ लगाया, ये FD वाला पैसा कहाँ लगाया होगा, प्रोविडेंट फंड वाला पैसा कहाँ लगाया होगा, तो आंसर मिलेगा कि मार्केट में ही लगाया। ये सारे पैसे मार्केट में ही जाते हैं, वहां से जनरेट तो कर रहे हैं 13-14-15, हमें मिल रहा है 6-7-8। तो इस म्यूचुअल फंड में आप पैसा अगर लगाते हैं, और यहां पहले बात करते हैं कि 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ, आपने कहा है फोन पे बोला है कि 20 हज़ार रुपया के पर मंथ से पापा तो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन लमसम में 17-18 लाख रुपया बोलते नहीं कर रहे हैं। तो पहले 20 हज़ार का बात करते हैं, 20 हज़ार रुपये पर मंथ यदि 15 साल तक करता रहा, और गलती से 15% का रिटर्न मिले, ना गलती से मिले, भूले भटके 12% मिले, तो क्या होगा यहां देखते हैं। यहां पे 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ 15 साल तक करेंगे, 12% के रेट से 36 लाख जमा होगा, 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। पर यदि ये 14% का रिटर्न मिले, तो यही पैसा बढ़ के 1 करोड़ 22 लाख हो सकता है, और 15% के रेट से ये पैसा हो सकता है 1 करोड़ 35 लाख। तो हमने यहां पे दर्शाया है कि 1 करोड़ 35 लाख से 1 करोड़ के बीच आप अटकेंगे। कहावत है ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, ये खजूर में अटक जाएंगे। लेकिन आसमान से गिर के सीधे अगर धरती पे आना है, तो बैंक का रिटर्न है 7%, 36 लाख का पैसा बनेगा 63 लाख रुपया। आसमान से गिरे, सीधे धड़ाम से धरती पे गिरे, ये FD का रिटर्न है। आसमान से गिरे खजूर पे अटके का मतलब है कि मिला जुला के यहाँ पे आ गए। अगर भैया जी स्मॉल कैप मिड कैप में 15% का रिटर्न दिया, तो 35 लाख रुपया हो गया। अब एक मजेदार कहानी और, कि SIP में अगर एक्चुअल रिटर्न देखा जाए, तो 15 साल लिखा हुआ है और 20 हज़ार रुपये पर मंथ लिखा हुआ है। पहला फंड है DSP स्मॉल कैप, SBI उस समय जमा जन्म ही नहीं हुआ था SBI स्मॉल कैप का, 36 लाख जमा हुआ है, 2 करोड़ 13 लाख बनाए, आसमान से गिरे और आसमान में ही अटक गए, 2 करोड़ 13 लाख, खजूर में नहीं अटके, धरती पे भी नहीं गिरे। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी, एकदम मार धाड़ एक्शन से भरपूर, 36 लाख का वैल्यू, 1 करोड़ 85 लाख। कोटक स्मॉल कैप, हो सकता है कोटक में आपका पैसा है, झोंक दीजिए 4-5 लाख रुपए स्मॉल कैप में, 36 लाख, 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ जमा किया, 36 लाख का 1 करोड़ 82 लाख बनाया है, 19.61। सबसे खराब वाला फंड 18.41% का मिला है, ये तो एवरेज मिला है, 15% का सबसे खराब वाला रिटर्न दिया है आदित्य बिरला स्मॉल कैप, 36 लाख का 1 करोड़ 30 लाख बनाया है, ये भी खजूर में नहीं अटका, आसमान में ही रह गया सबसे खराब वाला। तो ये तो हुआ SIP का बात। यदि वन टाइम पे जाते, पहले तो वन टाइम का कहानी देख लेते हैं, आपके पास 17,20,000 मूलधन है, बैंक में जो इंटरेस्ट हुआ उसको खर्चा कर लीजिए, साड़ी वाड़ी खरीद लीजिए अच्छा वाला, 5,000-10,000 वाला,
नहीं खरीदे आप भी। ये वाला 17,20,000 मूलधन लगा दिए हैं, 15 साल के लिए 15% का रिटर्न हो तो 1,39,00,000 बनता है, और 12% के रेट से भूले भटके हुआ तो 94,00,000 रुपया होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वन टाइम में जाएंगे, यहाँ पे हम वन टाइम में गए, 17,20,000 लिखे, वन टाइम सेलेक्ट किए हैं starsap.in में। 17,20,000 को 15 साल के लिए छोड़ा, 12% के रेट से 94,00,000 रुपये बनता है, पर यदि 15% का रिटर्न मिले तो 1,39,00,000 रुपये बनता है। तो 94 से 1,39 के बीच आपका पैसा कहीं पे पड़ता है। लेकिन अगर लाइव रिटर्न देखें तो वन टाइम का लाइव रिटर्न कितना पैसा था, पहले तो वन टाइम में यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपके पास पैसा कितना है, 17,00,000। तो 10, 12, 15 पे जाते हैं, 15,00,000 ही मानते हैं, और आने वाले 15 साल तक अगर डालते हैं आप, ये टाइम चेंज कर सकते हैं, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल, जो मर्जी है वो आप कीजिए, मैं समझाने के लिए 15 साल ही यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो फंड आता है DSP स्मॉल कैप, जिसने 15,00,000 वन टाइम 2008 में डाला था तो 2,28,00,000 रुपये बनाए। फ्रैंकलिन ने बनाया है 15,00,000 वन टाइम का 1,89,00,000। HDFC स्मॉल कैप ने बनाया है 15,00,000 का 1,67,00,000। सबसे खराब वाला का बात करें 14.56, क्वांट स्मॉल कैप 15,00,000 का बनाया है 1,15,00,000। भूले भटके भी 1,15,00,000 बना ही बनाया है। अगर FD करेंगे तो 7% के रेट से क्या होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं, 17,20,000 15% के रेट से 1,39,00,000 बनाए, और यदि 7% का रिटर्न हो तो ये पैसा गिर के 47,45,000 हो जाता है। इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी स्लैब में आते हैं 10, 20, 30, म्यूचुअल फंड में आपको 10 ही टैक्स देना है बढ़े हुए पैसे पे। तो इस तरह से करके आप सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। रही बात किस में पैसा इन्वेस्ट करना है, वो फंड हमने बता ही दिया है, SBI के फंड में जाना है। एक क्वेश्चन और पूछा गया यहाँ पे, बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी दिनों के बाद कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। राजू भैया नमस्कार, अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 15 साल तक इन्वेस्ट किया, पैसा निकालते समय लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, अंग्रेजी बढ़िया क्वेश्चन है ये वैसे, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ गया, यूनिट रिडीम ना हो तो बायर को पैसा के का क्या होगा, पैसा मिलेगा कैसे? बेहतरीन क्वेश्चन, मैं मानता हूँ इसको, कि जब पैसा निकालने गए मिल ही नहीं रहा है, कोई खरीद बिक्री करने वाला है ही नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि 15,000 रुपया राजू भैया जैसे जैसे आप बताए किए, 15 साल तक भी किए, 15% भी मिल गया, 1,00,000 रुपया हो गया, जैसे ही निकालने गए मोगेम्बो ने कोई खेल खेल दिया बड़का, अब पैसा निकलने, लिक्विडिटी प्रॉब्लम, मतलब आप बेचना चाह रहे हैं कोई खरीदार है ही नहीं। दूसरे शब्दों में समझिए, 5,00,000 का एक प्लॉट था, बढ़ते 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 वो 20,00,000 का हो गया, हाईवे निकल रहा है, IIT खुल रहा है, सब जगह खुल रहा है, सब जगह एम्स खुल रहा है, खुल गया बगल में एम्स, फोटो छप गया यहाँ पे एम्स 20,00,000 का हो गया, फिर 50,00,000 का हो गया, फिर जब बेचने बंदा गया तो बोला कि भाई हम तो ये प्लॉट नहीं खरीदेंगे, पीछे जितना खरीदा था सबका एक्सीडेंट हुआ और सब व्हील चेयर पे है, इस प्लॉट में अनहोनी होता है, इसमें ताम झाम तांत्रिक इसमें है, हम ही नहीं खरीदेंगे प्लॉट, दूसरे को बेचना वाला भाई अनहोनी होता है हम नहीं खरीदेंगे, पीछे जितना खरीदा सब जो है लूला लंगड़ा बन के बैठा है, हम नहीं खरीदेंगे। बोला भाई 50 में ना लोगे 40 में ले लो, 45 में ले लो, 30 में ले लो, 30 जैसे बोले, बोला हम खरीदेंगे, जो होगा देखा जाएगा अनहोनी। तो उसी तरह से जब लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा, भूतकाल में भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं आया, मोगेम्बो जब खेल खेला तो भूतकाल में भी नहीं आया। मेरे पास 2,000 का यूनिट है निपोन इंडिया स्मॉल कैप का या ग्रोथ फंड का, 2,000 का यूनिट, मैं उसको 1,800 में बेचूंगा, 1,500 में बेचूंगा, 14, नुकसान होगा, बिकेगा जरूर, कितना नुकसान होगा तो कितना कितना मार्केट गिर रहा है, कितना आप डर रहे हैं, तो वो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि इक्विटी में आया है, कम प्राइस होगा। अब होगा क्या, यहाँ पे आप इन्वेस्टर हैं, यहाँ पे MC है, आपने सेल करने के लिए लगाया, आपने मारा रिडीम 1,00,000 रुपया रिडीम, अब फंड मैनेजर यहाँ पे बैठा हुआ है, छटपटाएगा ये, अरे ये क्या कर दिया, रिडीम कर दिया, अभी तो मार्केट डाउन है, अब ये रिडेम्पशन डालेगा, इसको बेचना था 100 रुपया पे, नहीं बिक रहा है, 98 रुपया के रेट पे बिकेगा, 95 पे बिकेगा, 90 पे बिकेगा, कहीं ना कहीं तो बिकेगा, कोई तो कोई खरीदने वाला है, इतना बड़ा दुनिया है, बोलता मार्केट गिरेगा तो खरीदूंगा, सब लोग बोलते हैं अरे राजू भैया मार्केट लाइफ टाइम हाई है, गिरेगा तो खरीदूंगा, होगा ना कुछ खरीदने वाला लोग कि गिरेगा तो खरीदूंगा,
तो 95 पे खरीदेगा, 90 पे खरीदेगा, तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, इक्विटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, डेट फंड में ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बोलता हूँ डेट से दूर रहो, अगर लंबा समय है तो आप इक्विटी में लगाते रहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम। अरे 1 करोड़ की जगह 80 लाख मिल गया तो क्या बोल रही है, बैंक तो सीधा ताला लगा देता है, बोलता है 1 करोड़ है, अच्छा 2000 रुपया ही निकाल सकते हैं, 5000 ही निकाल सकते हैं, उससे अच्छा इक्विटी है, खेलिए लंबा, चौवा छक्का मारते रहिए। आपको इसी तरह या उसी तरह मचमच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट में इसी तरह का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। मचमच फंड में घुसना है, इन्वेस्ट करना है, खोपड़ी का ब्लूटूथ ज़्यादा ऑन हो गया है, एसेट प्लस के ऐप को डाउनलोड कीजिए, मिनिमम 100 रुपया, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप इन्वेस्टर टीम में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।